गुजरात छात्र संसद का सातवां कॉन्क्लेव वडोदरा में 23 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसके चलते आज वडोदरा के कोर्टयार्ड मैरियट में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 23 दिसंबर को गुजरात का सातवां छात्र संसद होने जा रहा है, जिसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इस छात्र संसद में कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आएंगे जो छात्रों के साथ में अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। उनमें कई नाम शामिल हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ और एक्टर विक्रांत मिसी, इनके तरह कई और मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आएंगे जो छात्रों के साथ में अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे। आज उसी के चलते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। आज हम लोग जुड़ रहे हैं छात्र संसद के जो प्रमुख हैं कृणाल शर्मा के साथ में, और उनसे जानते हैं कि क्या पूरा आयोजन हो रहा है 23 दिसंबर को, ताकि हमारे दर्शकों को ज़्यादा इसके बारे में पता चले। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ी डिटेल बताइए सर। संसद और छात्र यानी सुरक्षित राष्ट्र, और इसी राष्ट्र को मजबूत करने के लिए छात्र संसद पिछले 10 साल से इस देश के युवाओं के लिए कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप एक्टिविटीज करते आ रहे हैं। और मुझे याद है 2014 में जब छात्र संसद की शुरुआत हुई थी, तो हम लोगों ने इसी तरीके के कॉन्क्लेव से की थी। 5 लोगों ने मिलकर 500 लोग इकट्ठे किए थे, और आज बड़ौदा शहर के और गुजरात राज्य के 700 युवाओं ने मिलकर 7th गुजरात छात्र संसद का आयोजन किया, जिसमें इस देश के 15,000 लोग जुड़ने वाले। और लीडरशिप स्किल्स के बारे में, सस्टेनेबल भारत के बारे में, सस्टेनेबल भारत का कैसे निर्माण हो, उसके बारे में बात करने वाले। एंड आई फील सो प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू बी होस्टिंग अ गैलेक्सी ऑफ सुपरस्टार्स, इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ इसरो एस सोमनाथ, जिनका सेलिब्रेशन पूरे देश ने किया था जब चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था। आर ऑनरेबल नितिन गडकरी जी इस्कॉन से, श्रीमान प्रभु गौरंगा दास जी, बी के शिवानी दीदी, वरुण ग्रोवर, विक्रांत मसी। आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट अ कॉन्क्लेव ऑफ छात्र संसद, बट दिस इज वडोदरा'स वेरी ओन कॉन्क्लेव। वडोदरा शहर के युवाओं को, उनके पेरेंट्स को अपील करना चाहता हूँ कि वो इस छात्र संसद के कॉन्क्लेव से जुड़े मैसिव तरीके से, और 15,000 युवाओं को देखे जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहन के इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने वाले, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट किया जा रहा है। मैं इस माध्यम से बीआरजी ग्रुप का, एईसीसी ग्लोबल का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस तरीके की मुहिम को सपोर्ट पिछले कई सालों से करते आया। और ऐसी कोई चीज जब होती है तो वो किसी अकेली ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होती है। सो मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बट देर आर हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर टू बिल्ड दिस, एंड ऑल्सो टेकिंग दिस प्लेटफॉर्म टू थैंक ईच एंड एवरी यंग माइंड फ्रॉम छात्र संसद ऑफिस, जो कि आप सभी के सामने नहीं है लेकिन हम सबके पीछे, जो कि दिन रात मेहनत करके इस ऑर्गेनाइजेशन को और छात्र संसद की कॉन्क्लेव को सक्सेसफुल बना रहा है। ये जितने भी गेस्ट्स है, सारे के सारे गेस्ट हमारे साथ अवेलेबल होंगे, एक्सेप्ट नितिन गडकरी जी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारे युवाओं से बात करेंगे। बाकी सारे गेस्ट अवेलेबल रहेंगे, और एक चंद्रयान 3 का सेलिब्रेशन भी हम लोगों ने प्लान किया, क्योंकि हम लोग हमेशा से इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सेलिब्रेशन करते हैं, ये सेलिब्रेशन का मौका हमें फिजिकली बड़ौदा को मिलेगा। एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, बट दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज अ फ्री एंट्री, एंड द रजिस्ट्रेशन इज वेरी सिंपल। वो छात्र संसद की वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम पेज पे जाके डीएम कर सकते हैं, और एक रजिस्ट्रेशन लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं। उनको पासेस मिलेंगे, और उनको ई पासेस भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर करके आएंगे उनको डिजिटल सर्टिफिकेट छात्र संसद बीआरजी और एईसीसी के द्वारा दिया जाएगा। बीआरजी ग्रुप जो पिछले 30 साल से इस शहर में एजुकेशन में अग्रेसर है थ्रू देयर स्कूल्स, उर्मी स्कूल एंड गुजरात पब्लिक स्कूल, सो हमारे ग्रुप का ये फिलॉसफी रहा है कि बच्चे क्लास से ज़्यादा क्लासरूम के बाहर भी बहुत कुछ सीखते हैं। एंड हमारी ये मुहिम रही है हमेशा कि हम लोग उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकें जहाँ पे वो क्लासरूम से बाहर भी कुछ सीख सकें, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके जहाँ पे वो लोग जो हमारे देश के बड़े बड़े थिंकर्स हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनके साथ कनेक्ट कर सकें, और उनका एक माइंड सेट कल्टिवेट हो टूवर्ड्स सस्टेनेबल भारत। वॉट वी बिलीव इज़ दैट सस्टेनेबल भारत एक जो मुहिम है वो तभी पॉसिबल हो सकती है जैसे जब हमारे यूथ और यंग एम्बेसडर्स जो बच्चे हैं वो अगर सस्टेनेबल बिहेवियर अडॉप्ट करें, एक माइंड सेट अडॉप्ट करें, तो ये जो 7th छात्र संसद जो कॉन्क्लेव लीडरशिप का, उसी तरफ के लिए हमारी एक कोशिश है जहाँ पे इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, और वहाँ पे वो बच्चों के साथ कनेक्ट करेंगे, उनके साथ एक इनसाइट शेयरिंग होगा। सो वी आर ग्लैड दैट विद द कोलैबोरेशन ऑफ छात्र संसद एंड बीआरजी ग्रुप एंड अदर इंस्टीट्यूट्स वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ कॉन्क्लेव फॉर द पीपल ऑफ बड़ौदा।